प्रश्नावली 3 का तीसरा, के किस मान के लिए के मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है इन समीकरणों में, दिए गए समीकरणों में, और के लिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणिकाओं का कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई भी हल नहीं होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये होता है जब कोई भी हल नहीं होता और दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, तब ये वाला कंडीशन होता है। इस कंडीशन में हमें ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू के मान रख करके कोई भी हल नहीं होगा उसके लिए निकालना है के का मान। निकालते हैं, पहला समीकरण दिया हुआ है एट एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन। एट एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, के एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन। ये पहला समीकरण, के एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, ये हो गया दूसरा समीकरण। कंडीशन क्या दिया हुआ है, दिया है कि इस समीकरण के लिए समीकरणिकाओं का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है तब क्या होता है, तब कंडीशन होता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इस समीकरणों में ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू का मान क्या है, ए वन का मान क्या है एट, बी वन का मान क्या है फाइव, सी वन का मान क्या है नाइन, ए टू का मान क्या है के, बी टू का मान क्या है टेन और सी टू का मान क्या है फिफ्टीन। इन समीकरणिकाओं को इस तरह से लिखना है। प्रश्न में इज इक्वल टू नाइन था, उस नाइन को इस तरह पला के ज़ीरो, इज इक्वल टू फिफ्टीन था, इस फिफ्टीन को इस तरह पला के ज़ीरो। अब ये हो गया सी का मान और सी वन और सी टू का मान, तो सी वन का मान हो गया माइनस नाइन और सी टू का मान हो गया माइनस फिफ्टीन। अब इसी मानों को इन दिए इस दिए गए कंडीशन में हमें रखना है। रखते हैं, ए वन का मान क्या है एट, एट अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन टेन इज नॉट इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन माइनस फिफ्टीन। एट अपॉन टू नहीं के है, इसे देखते हैं। त्रिया गुणा करने पे फाइव के इज इक्वल टू एट टेंजा एट्टी इज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस कट गया तो नाइन अपॉन फिफ्टीन, नाइन अपॉन फिफ्टीन। अब के का मान क्या आएगा, एट्टी अपॉन फाइव करने पे इज नॉट इक्वल टू नाइन अपॉन फिफ्टीन, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, तीन बचा पाँच का तीस, सोलह पंचे अस्सी होता है ना, तो के इज इक्वल टू आ गया सिक्सटीन, जो इज नॉट इक्वल टू है फिफ्टीन के, तो के का मान क्या आ गया सिक्सटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेगा, अनंत कोई भी हल के नहीं के लिए ये वाला कंडीशन बस अप्लाई करना है, और ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का मान रख के समीकरण को हल करके के का मान निकालना है। नेक्स्ट इसमें भी बाकी समीकरणों में भी एक मान के का मान जो है अज्ञात मान होगा। इसमें देखो इसमें दो जगह दोनों समीकरण में क्या है, के एक्स प्लस थ्री वाई सेकेंड है, के एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, और ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू सिक्स। इन समीकरणों को लिख लेंगे। तीसरा का दूसरा दिया है, क्या क्या समीकरण दिया हुआ है, के एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया समीकरण एक। दूसरा समीकरण दिया हुआ है ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू सिक्स को इस तरफ लेंगे तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया समीकरण दो। अब हल में देखते हैं इस समीकरणों से ए वन ए टू ए वन बी वन बी टू के मान निकालने पे ए वन इज इक्वल टू क्या है के, बी वन इज इक्वल टू है थ्री, और सी वन इज इक्वल टू है माइनस थ्री, ए टू है ट्वेल्व, बी टू है के, और सी टू है माइनस सिक्स। अब दिया है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तब तब क्या कंडीशन मिलती है हमें, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन मिलती है। इसमें रख देना है मान, ए वन का मान है के, ए टू के मान है ट्वेल्व इज इक्वल टू बी वन का मान है थ्री, बी टू के मान है के इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स सी वन और सी टू के मान। इसमें से देखते हैं के स्क्वायर, ये त्रिकोण हुआ तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बारह दिया छत्तीस इज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस कर दिया थ्री अपॉन सिक्स। अब स्क्वायर इस तरफ लेके जाएगा तो क्या रहेगा, रूट ओवर बनेगा प्लस माइनस रूट ओवर थर्टी सिक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स, के इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस सिक्स, के का मान क्या आ गया, के इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स, यही क्या है के का मान है, इज नॉट इक्वल टू जो इज इक्वल टू नहीं है थ्री अपॉन सिक्स के। इज नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स, ए का मान क्या आ गया प्लस माइनस सिक्स, थ्री छठी का छत्तीस होता है तो रूट और छत्तीस क्या बोल सकते हैं उसको, सिक्स लिख सकते हैं रूट को कटाएंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से बनेगा तीसरा भी। के एक्स तीसरा समीकरण दिया हुआ है, के एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू टू, के एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू टू, और सिक्स एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, ये हो गया दूसरा समीकरण। इन समीकरणों को लिख करके इसको भी कोई हल नहीं है, समीकरण के कोई निकाय के कोई हल नहीं है उससे बनाना है। तीसरा का तीसरा समीकरण क्या क्या दिया हुआ है तीसरा में, के एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है टू, तो इज इक्वल टू को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा समीकरण है सिक्स एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन है उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया समीकरण एक। समीकरण दो अब इसमें इस दिए गए समीकरण में दिए गए समीकरणों दिए गए समीकरणों में देखते हैं ए वन का मान क्या है के, बी वन का मान क्या है माइनस फाइव, और सी वन का मान क्या है माइनस टू, ए टू का मान क्या है सिक्स, बी टू का मान क्या है टू, और
C2 का मान क्या है? -7। अब जब समीकरण जब दिया हुआ है क्या कंडीशन किसके लिए निकालना है? जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तब तब कौन सा कंडीशन होता है? a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। इस कंडीशन में रख देंगे इसमें ये वाला जो जब समीकरण निकाय कोई हल नहीं होता उसके लिए जो कंडीशन है उसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान को रख देंगे, उसके बाद हमें k का मान मिल जाएगा जो इस समीकरण दिए गए समीकरण में अज्ञात मान है। a1 का मान क्या है? k upon a2 का मान 6 इज इक्वल टू b1 का मान है -5 अपॉन b2 का मान है 2 इज इक्वल टू -2 upon -7 जो c1 और c2 के मान है। चलो त्रिया गुणा करने पे क्या मिलेगा? 2k into 2 इज इक्वल टू 6 × 6 -30 इज नॉट इक्वल टू -2 माइनस माइनस ऊपर नीचे कटा क्या बचा 2 upon 7। इसे k इज इक्वल टू -30 upon 2 -30 upon 2 मिला। अब 2 × 2 2 × 2 2 × 5 10 तो k का मान क्या आ गया? k इज इक्वल टू -15 इज नॉट इक्वल टू 2 upon 7 इज नॉट इक्वल टू 2 upon 7 तो k का मान क्या आ गया? -15। यही क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है जो फोर्थ प्रश्न दिया हुआ चौथा प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण निकायों को के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान निकालिए। अद्वितीय हल के लिए मतलब कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2 इसके लिए हमें क्या निकालना है? अद्वितीय हल के लिए के का मान निकालना है। उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन होता है क्या कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 और इज इक्वल टू c1 upon c2। पहले में ही a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 हो जाता है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती c1 upon c2 की। तो ये वाला कंडीशन जो होता है वो है अद्वितीय हल के लिए। चलो बनाते हैं। पहला दिया हुआ है चौथा के लिए kx + 2y इज इक्वल टू 5 3x + y इज इक्वल टू 1। दो प्रश्न दो समीकरण दिए हुए हैं। चौथा का पहला समीकरण क्या क्या दिया हुआ है? kx + 2y इज इक्वल टू 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0 और 3x + y इज इक्वल टू 1 है उसको इस तरफ लाएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2। अब इन समीकरणों में a1 इज इक्वल टू क्या है? k, b1 इज इक्वल टू है 2 और c1 इज इक्वल टू है -5, a2 इज इक्वल टू है 3, b2 इज इक्वल टू है 1, y के का गुणांक कुछ नहीं है मतलब कि 1 और c2 इज इक्वल टू है -1। जब समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल हो तब क्या होता है? a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 ये होता है।
अगर इसमें रखने हैं वन और ए टू बी वन बी टू के मान के अपॉन एक ए वन का मान है के ए टू के मान है थ्री इज नॉट इक्वल टू बी वन का मान है दो और बी टू का मान है एक। तिरिया गुणा करने पे के इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सॉरी के इज नॉट इक्वल टू तीन दुनी छः। तीन दुनी छः ये आया क्या उत्तर के इज नॉट इक्वल टू सिक्स ये हो गया आंसर। अद्वितीय हल के लिए का मान मिला सिक्स है तो अतः लिख सकते हैं हम इसमें अतः के मान छः के अति रिक्त अन्य वास्तविक संख्या के का मान होगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा का दूसरा देखते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री और थ्री एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू वन ये हो गया दो प्रश्न बनाना है अद्वितीय हल के लिए। चौथा का दूसरा समीकरण क्या क्या दिया हुआ है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री इधर आके माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और दूसरा समीकरण है थ्री एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू वन दिया है उसको इधर ला के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ये हो गया समीकरण एक ये हो गया समीकरण दो। इन समीकरणों के लिए ए वन क्या है ए वन का मान क्या है वन इसका एक्स गुणांक कुछ नहीं मतलब वन। ए टू का मान क्या है माइनस टू ए टू ए वन बी वन सॉरी ए वन के बाद बी वन ना ए वन का के बाद बी वन का मान है माइनस टू सी वन का मान है माइनस थ्री ए टू का मान क्या है थ्री बी टू का मान क्या है के और सी टू का मान क्या है माइनस वन। अब दिया है कंडीशन इसके लिए जब समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल हो तब क्या कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू ये कंडीशन है इसमें क्या करेंगे रखेंगे वन ए टू बी वन बी टू का मान ए वन का मान क्या है वन अपॉन ए टू का मान है थ्री इज नॉट इक्वल टू बी वन बी वन का मान क्या है माइनस टू अपॉन के तिरिया गुणा करने पे के इज नॉट इक्वल टू तीन दुनी छः माइनस सिक्स क्या आया तिरिया गुणा करने पे के इज नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स ये हो गया के का मान। दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल के लिए के का मान क्या आया के इज नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स अतः के मान माइनस सिक्स के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए के का मान होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह से
तीसरा और चौथा को भी अद्वितीय हल के लिए निकालना है k का मान, जिसके लिए क्या कंडीशन बढ़ता है, ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। इस कंडीशन से हमको दूसरा और तीसरा को भी, तीसरा और चौथा को ही बनाना है। पहला दूसरा बना लिए, पांचवा का चौथा का उसी प्रकार से बनाना है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।